नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभी अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का और मेरे शरीर की भी जो आदान प्रदान हो रहा है इसको देखने का काम कर रहे हैं। इसके पहले स्टेप में हमने इन दोनों वास्तविकताओं को पहचानने का काम किया और अभी करना है अपने को और उसको ठीक से देखना है। तो मैं हूं और शरीर है। अब इसके थोड़ा आधार में जाते हैं कि मैं हूं ये मैं कैसे कह पा रहा हूं, शरीर है ये मैं कैसे कह पा रहा हूं, एक तो ये बात। दूसरी, दोनों क्या है, मैं क्या हूं, शरीर क्या है, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये दोनों एक है या अलग अलग है। इन वास्तविकताओं को हमें देखना है। सूचनाएं हमारे पास है, प्रस्ताव मिला है ना, हमने वर्कशॉप में भी सुना है, मीटिंग में भी सुना है और जगहों से भी हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, बट क्या ये हमारे देखने में आया है? तो हमें अब जैसा है वैसा देखना है, मैं को मैं की तरह देखना है, शरीर को शरीर की तरह देखना है, और मैं और शरीर में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये भी देखना है। अभी इसके थोड़े ही हम लोग विस्तार में गए, अगर हम ज्यादा विस्तार में जाते हैं तो इससे और जुड़े बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। तो अभी यहां से शुरू करें कि इन दोनों वास्तविकताओं को पहचानने का काम तो शुरू हो, है ना। इसको ही पहचानने समझने के क्रम में हम लोगों ने मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं के बीच अंतर को पकड़ने का समझने का प्रयास किया। तो इनकी आवश्यकताएं क्या है इसको देखा, इनमें क्रियाएं क्या हो रही है इसको देखने का प्रयास किया। और देखने में भी अगर देखें तो हमने कोई प्रस्ताव सुना, उसका विश्लेषण किया, ठीक, और विश्लेषण से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे एक मूल मुद्दा ये भी बनता है कि किसी चीज को जानने का आधार क्या है। हम किस चीज को कहते हैं कि हम जानते हैं, किस चीज को कहते हैं कि अभी हम नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो हम क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्या जानना शेष है। तो अगर इसके मूल में जाएंगे, पूरे जानने की क्रिया का अर्थ क्या है उसको भी समझना बनता है। तो मैं हूं, है ना, मैं हूं ये मैं कह पा रहा हूं, किस आधार पे कह रहा हूं, क्या मैं जानता हूं कि मैं हूं। शरीर है ये मैं किस आधार पे कह पा रहा हूं, कैसे मैं जानता हूं कि शरीर है। अगर ये आधार निश्चित हो तो फिर आगे की बात हो सकती है कि ये दोनों एक है या अलग अलग है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों को अभी हम मान के चल रहे होते हैं और कुछ चीजों को हम जानना मान लेते हैं, यही जानना है। तो जैसे कि शरीर का रूप मुझे आंखों से दिख रहा है तो मैं कहता हूँ शरीर है, मेरा रूप मुझे आंखों से नहीं दिख रहा तो डाउट रहता है कि शरीर है कि नहीं है। तो एक आधार ये हो गया कि हमने आंखों में कोई रूप देखा तो हमने उसकी वास्तविकता को स्वीकार लिया, आंखों में रूप नहीं दिखा तो उसकी वास्तविकता को नहीं स्वीकारा कि नहीं। अब आंखों में रूप दिखना क्या है, तो एक संवेदना है, तो कोई दृश्य है, उसका आंखों में चित्र बना, जैसे मैंने सिर झुकाया अपने शरीर को देखा तो जो शरीर है उसका आंखों में चित्र बना, वो चित्र मुझ तक पहुंचा मेधस के माध्यम से, और फिर मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा कि हाँ शरीर है। आंख मूंद कर भी मैंने अपने शरीर को छुआ तो पता लगा कि हाँ शरीर है। कोई सर्दी गर्मी हुई उसकी संवेदना मुझ तक पहुंची तो मैं कहता हूँ शरीर है कि नहीं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि यही आधार जानने का और यही वास्तविकता को जानने का आधार हो सकता है संवेदना, परंतु इसकी सीमाएं दिखती हैं क्योंकि संवेदना एक सूचना मात्र है। अगर आप इसको ठीक से देखिए तो मुझे एक सूचना मिल रही है और मैं उस सूचना को अर्थ देता हूँ। इसको हम लोग आगे जब जाएंगे तो दिखाई देगा कि कोई भी सूचना मेरे पास आती है तो मैं उसे एक अर्थ देता हूँ। तो जैसे अगर आप कह रहे हैं कि टेबल पर ग्लास रखा हुआ है उसे जाके किचन में रख दो, तो अब ये कैसे तय कर पा रहे हैं कि टेबल पर ग्लास रखा हुआ है, तो उसका आंखों में चित्र बना, संवेदना पहुंची और हम कहते हैं टेबल पे ग्लास है कि नहीं। तो अभी हम जानने का आधार क्या मान लेते हैं, संवेदना। अब ये बात मैं के लिए पूरी नहीं पड़ती क्योंकि मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य, तो संवेदना कोई रोल रहा नहीं।
जितना जितना हम मैं को चैतन्य को समझने जाते हैं उतना उतना हमें पूरे जानने की प्रक्रिया को भी समझना बनता है कि जानना कहते किसको है। सूचना लेना, उसका विश्लेषण करना, यही जानना है या जानना कुछ और है या इसके अलावा भी कुछ है, ये उसका एक भाग है, छोटा भाग है। तो इन सारी बातों पे ध्यान जाएगा जब आप स्वयं को देखने का, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। अब जब ये संवेदना पूरी नहीं पड़ती तो फिर हमारे लिए आधार क्या बनता है जानने का, तो कोई बाहर से मिली हुई सूचना हो, या तो संवेदना अगर आधार नहीं है, किसी व्यक्ति ने कहा, किसी जगह हमने पढ़ा, कुछ हमने सुना, तो क्या वो आधार बनेगा या कोई और आधार भी हो सकता है। तो इस पूरे क्रम में आप पाएंगे कि जानने का आधार क्या होता है, उस पे काम शुरू होता है कि मैं हूं, इसको जानने का आधार क्या होगा। तो आप पाएंगे कि यदि बाहर के किसी स्रोत को हमें आधार नहीं बनाना है, क्योंकि तो वो भी एक सूचना ही होगी, तो स्वयं में ही देखना बनता है। तो स्वयं में देखना क्या है, फिर इसको देखना बनता है। क्या देखना, रूप तो दिख नहीं रहा, संवेदना आ नहीं रही, सूचना आ नहीं रही, ठीक, तो फिर मैं हूं ये किस आधार पे कहूं। अभी एक नया डायमेंशन खुलता है यहां से, जब मैं अपने आप को देखने जाता हूं, तो अभी तक जिसको मैंने जानना देखना माना हुआ है वो विधियां प्रयोग में नहीं आ रही। बाहर से कोई सूचना मिलती है, ठीक, तो एक सूचना ही है, चाहे वो शरीर के माध्यम से मिले या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से मिले या कहीं पढ़कर मिले, वो एक सूचना ही है। तो देखना स्वयं में होता है। तो जितना जितना मैं हूं, इस चीज को मैं देखने जाता हूं अपने आप में, उतना उतना देखने का अर्थ भी स्पष्ट होता है। तो इसको अभी हम लोग खुला रखेंगे, जो भी बात यहाँ से कही जा रही है, प्रस्ताव है, उसको अपने आप में देखना है, जांचना है। बट ये रिलेवेंट इश्यूज हैं कि नोइंग होता क्या है, देखना होता क्या है, जानना होता क्या है, या सिर्फ मानना ही होता है कि नहीं। और अभी हम सूचना जो बार बार पुष्ट होती है उसको जानना कह देते हैं, बेसिकली वो होता फिर मानना ही है, या जानना कुछ और भी हो सकता है। और ऐसी चीजें जिसका रूप हमें संवेदना में नहीं आता, ठीक है ना, उसको जानने का आधार क्या होगा। तो चूंकि अभी हमारा अभ्यास अपने आप को शरीर मानकर जीने का है, तो हमें जानने का आधार संवेदना ही लगता है ना। अभी उसको भी देखेंगे कि संवेदना अल्टीमेटली जानना नहीं होता, या संवेदना मात्र से जानने का नहीं होता, क्योंकि संवेदना जब हमें मिलती है तो हम उसे कोई अर्थ देते हैं, क्योंकि संवेदना हमें हर बार अलग अलग प्रकार से मिलती है। टेबल पे ग्लास रखा है, अगर मैं कह रहा हूं तो जिस दिशा से मैं देखता हूँ अलग अलग रूप दिखाई देता है, फिर मैं उसका विश्लेषण करता हूँ, इसका मतलब कि रूप आधार नहीं है, उसके साथ विश्लेषण जुड़ा है। फिर मैं उसको अर्थ देता हूँ, ये जो ग्लास रखा है ये ग्लास पानी पीने के काम आता है ना, ये जो टेबल है ये ठोस है, इसके ऊपर ग्लास रखी जा सकती है। अब ये सब मैं अपने विश्लेषण में पूरा कर रहा हूँ, यानी संवेदना के आगे जो सूचना मिली मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, उस विश्लेषण से मैं आगे कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, और ये काम मुझ में हो रहा है, और ये विश्लेषण अलग अलग व्यक्तियों में अलग प्रकार से हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल संभावना है। बट ये है कि चूंकि वो कॉमन हो जाता है तो हम उसे जानना मान लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में आने के बाद आपको जानने का आधार क्या होगा, इस पे प्रश्न चिन्ह बनता है। इसको हम और देखना अपने आप में शुरू करेंगे। तो मैं को देखने का आधार, मैं को जानने का आधार क्या हो सकता है? कोई बाहर से मिलने वाली सूचना जिसको मैं अर्थ देता हूं वो तो आधार नहीं हो सकता, संवेदना उसका स्कोप ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे स्वयं में देखना बनता है, नहीं? तो स्वयं को देखने जाते हैं तो स्वयं में क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो पहले स्टेप पे ही देखें कि मैं हूं, इसको मैं कैसे तय करूं, तो मैं अपनी क्रियाओं को देखता हूँ फिर, ठीक है ना। तो ये काम अपने को सघनता से करना है। और अच्छी बात यह है कि जितना जितना मैं अपनी क्रियाओं को देखता हूँ, क्योंकि मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, तो जानने की क्रियाएं क्या होती हैं
वो भी हमें स्पष्ट होने लगता है। वैसे ही शरीर है ना, तो शरीर से मुझे सूचना मिल रही है, संवेदना मिल रही है, वो संवेदना यहाँ पे मैं तय कर रहा हूँ शरीर है, बट अल्टीमेटली मैं तय कर रहा हूँ शरीर है ना। सूचना तो मुझे मिल ही रही है, उस सूचना को मैं अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट भी कर सकता हूँ कि नहीं, विश्लेषण का कई आधार हो सकते हैं। अगर कुछ मान्यता में बैठ जाए तो मैं अलग ढंग से विश्लेषण करूंगा। तो शरीर है ना, उसको मैं अभी कैसे देख रहा हूँ, तो अभी जो शरीर द्वारा मुझे सूचना मिल रही है संवेदना के रूप में, उसको देखने के आधार पर तय कर रहा हूँ। अब ये शरीर क्या है कोई पूछे, तो वहां पर ये जो संवेदना को मैं अर्थ देता हूँ वहां पे अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना, कि शरीर क्या है। अब शरीर भी देखें तो शरीर कई अंगों से बना है, अंग कई कोशिकाओं से बना है, ठीक, कोशिकाएं कई परमाणुओं से बने हैं, तो बारीकी से देखने जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें विश्लेषण में आएंगी। अब ये दोनों अगर स्पष्ट होते हैं तब जाकर यह स्पष्ट हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग वास्तविकता है या एक ही है। इसको अभी हम लोग खुला रखें, परंतु जितना इस चीज पे हम ध्यान देंगे, विचार करेंगे, हमें जानने की प्रक्रिया, जानने का आधार और ठीक से स्पष्ट होगा। तो इसलिए मैंने ये जो आपको जानने की प्रक्रिया पे जो बात रखी वो तो महत्वपूर्ण है कि आप हैं, शरीर है ये तो कह पा रहे हैं, और वो भी कहने का आधार क्या है, संवेदना और संवेदना को दिया जाने वाला अर्थ, बट आप हैं ये आप किस आधार पे कह पा रहे हैं, ठीक। ये आधार अगर निश्चित हो जाए तब तो फिर ये तय हो सकता है कि मैं और शरीर है ना, तो उस पे अपने को ध्यान देना है, ठीक। अगर हम देखें गहराई में तो ये बहुत गहन मुद्दा है, जहां हम पूरे जानने की प्रक्रिया को ही शोध करते हैं, क्योंकि मानव को देखें तो मानव तो जानना चाहता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना चाहता है, और पूरी जानने का आधार क्या होगा, ठीक है ना, ये तो निश्चित होना जरूरी है, अदरवाइज पूरे हमारे जीने का आधार क्या है वही तय नहीं हो पाता, जीने का प्रयोजन क्या है वही तय नहीं हो पाता। तो मैं हूं ये किस आधार पे मैं कहूँ, शरीर है किस आधार पे मैं कहूँ, ये तय हो जाए तब तो मैं कह पाऊंगा कि जड़ इकाइयां हैं, चैतन्य इकाइयां हैं, वो भी तब जब मैं अपने आप को चैतन्य इकाई के रूप में देख पाता हूँ, शरीर को जड़ इकाई के रूप में देख पाता हूँ। अब वैसे देखें तो चैतन्य और जड़ दो शब्द हैं, ठीक, तो जड़ क्या होता है चैतन्य क्या होता है इसको देखना समझना बनता है। बढ़िया, तो ऐसा करते हैं अभी हम इसको अपने आप में देखते हैं, ठीक है ना, जो मैंने बातें कही जानने के आधार को थोड़ा शोध करें अपने आप में, 10 मिनट का समय लगाते हैं, और आप देखिए कि आप हैं ये आप किस आधार पर कह सकते हैं। इसमें विचार शामिल हो जाए कोई बात नहीं, विचार भी कर ले, इससे बहुत सारे नए प्रश्न भी तैयार हो सकते हैं, उसको भी ले लेंगे हम लोग, उस पर भी बात करेंगे। शरीर है ये आप किस आधार पर कह पा रहे हैं, है ना, ये आधार तय हो तब तो ये कह पाते हैं कि भाई ये संसार है, ये धरती है, ये प्रकृति है, तो आधार तो तय हो कि किस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वास्तविकता है कोई इकाई है या वास्तविकता है कोई वस्तु है, तो इसको अपने आप में थोड़ा शोध करते हैं हम लोग, अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं, तो इसमें विचार शामिल हो जाए तो विचार को भी शामिल कर ले, थोड़ा गहन मुद्दा है, और यदि देखना सीधे सीधे हो पाए तो बहुत ही अच्छा, देखने का भी काम कर सकते हैं। तो अभी 10 मिनट हम लोग इस मुद्दे पे लगाते हैं, इस बात को देखने में कि मैं हूं, है ना, क्या मैं इसे देख पा रहा हूं, ठीक, अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक, फिर आगे भी देखेंगे, 10 मिनट का समय लगाते हैं। अभी आपने जानने को लेकर जो डेप्थ में बात किया उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी, पर इस 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन में अगर देखो तो जैसे मैं अभी 10 मिनट बैठने के लिए मैं फ्लोर पे बैठी तो फ्लोर मेरे को ठंडा लग रहा था, तो वो ठंडा का संवेदना है उसको मैंने पढ़ा, तो संवेदना है वो तो शरीर में हुआ था और उसको मैंने रीड किया, तो मतलब शरीर और मैं दोनों अलग अलग एंटिटीज तो है,
इसको देख के मैं इसको भैया ऐसे मैं देख पाई। अब इसी में क्वेश्चन है मेरा, अब उस फ्लोर पर बैठे रहना है कि खड़े हो जाना है, कि इतना ठंडा मैं कर पाती हूँ सहन कि नहीं कर पाती, वो सारा डिसीजन मेरे पास था। संवेदना शरीर में हुआ, उसको रीड करने का निर्णय भी मैंने लिया और उसको रीड भी किया, तो दोनों अलग है। ऐसा मैं इसमें ऐसा देखू, पर आपने अभी जो डिसीजन शरीर को लेकर दीदी इसको बोले, ऐसे देखते हैं कि डिसीजन शरीर के ही किसी भाग में हो गया या आप में हुआ, ये कैसे तय होगा? वो तो मैंने ही लिया। वही वो मैं जिसको कह रही हूँ कि मैंने लिया, वो शरीर के किसी भाग में हुआ या आप में हुआ? आप शरीर का ही कोई भाग हैं या कुछ अलग हैं, ये कैसे तय होगा? बस उसी को भैया मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ कि जैसे ये डिसीजन ब्रेन में हुआ या मैंने लिया, उसको कैसे डिफरेंशिएट करूं। अभी आपने वो जानने का जो प्रोसेस भी बताया था, उस प्रोसेस को मैं नहीं कनेक्ट कर पाई। हाँ है ना, तो यही का मुख्य मुद्दा है कि मैं हूं ये किस आधार पे कह पा रहा हूं। तो इसी घटना में अगर भैया बताना देखना है तो उसको कैसे देखेंगे। वही तो देखना है देखो पर भैया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा थी मैं क्या देखू क्या। देखिए आप हैं, आप अपने आप को देखिए। शरीर है ये तो हम संवेदनाओं से तय कर रहे हैं, फर्श है संवेदनाओं से तय कर रहे हैं, फर्श ठंडा है संवेदनाओं से तय कर रहे हैं, तो तय हाँ करने वाला क्या है? पर देख उसको भैया ऐसे, ये तो मैं लॉजिक लगा रही हूँ, दिख नहीं रहा कुछ मुझे। जैसे ये अगर ब्रेन से तय होता है तो ब्रेन तो फिजियोकेमिकल मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर सब में सेम है, तो सबका डिसीजन तो जी अलग अलग आता है। जी इसका मतलब ब्रेन से तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ब्रेन से होता तो आपका और मेरा ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सेम है, उसका फंक्शन भी सेम है, पर मैं है उसका निर्णय अलग हो सकता है। अगर ब्रेन निर्णय लेता है तो ब्रेन का निर्णय तो सेम होना चाहिए सबके लिए। अब ठंडे नहीं फर्श पर बैठ, नहीं जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन की स्टडी करना पड़ेगा, फिर फंक्शन अलग प्रकार से हो सकता है। ब्रेन का जी बिल्कुल, तो आपके ब्रेन का न्यूट्रिशन एक प्रकार से, मेरे ब्रेन का न्यूट्रिशन अलग प्रकार से हो रहा है, तो फंक्शनिंग अलग अलग प्रकार से हो सकता है। आपका ब्रेन एक अलग तरह की परिस्थिति में बना हुआ है, मेरा ब्रेन एक अलग तरह की परिस्थिति में है, तो फंक्शनिंग अलग अलग हो सकता है। ये सारे प्रश्न तो खड़े हो ही सकते हैं। कि नहीं हाँ भैया ये मुद्दा पहले इजी था, अब उसको कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए अब मेरे को है बार कल भी मुझे ये क्वेश्चन हो रहा था, आज भी हो रहा था। ना। हाँ तो भैया इसका मतलब ये हुआ था कि मैंने अपने और शरीर को अलग माना, वो अभी कल्पनाशीलता में माना है, ऐसा ही है, दिखा तो नहीं है ये तो मुझे पता है, पर और क्या कल्पनाशीलता में मैंने इसको स्ट्रोंगली मतलब मान लिया है। हो सकता है नहीं है ही ऐसा, हो सकता है मेरे जी लिए तो अभी मैं है ही है, क्योंकि जी आप जो बोल रहे हैं वैसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। देखेंगे तो भैया इसको कैसे। थोड़ा और गाइड कीजिए कि क्या कैसे देखो। वही इसमें तो देखिए गाइड तो कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक दूसरे को उसमें देखने में सहयोग भी कर सकते हैं। उसमें मुख्य मुद्दा तो है किसी पॉइंट पे तो आपको देखने की स्थिति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि तो जो भी मैं कहूंगा एक सूचना है, हाँ और सूचना को लेकर आप अपने आप पे अर्थ देंगी। तो मैं जो कह रहा हूं, जिस अर्थ को मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, वही अर्थ आप तक पहुंचाइए, कैसे तय होगा? नहीं मैं आपसे कंफर्म कर लूंगी कि आप यही कहना चाह रहे कि नहीं। आप जो कह रही है मैं वही कह रहा हूं, ये कैसे तय होगा? तो किसी पॉइंट पे अपने को आकृष्ट होना पड़ेगा कि मुझे स्वयं में देखना है, और ये देखना शब्द भी क्या है इसको भी है ना, और स्वयं में देखना कि देखना भी क्या होता है। तो देखें इसको हम लोग, मैं हूं इसको देखें, ठीक है ना? तो अभी भैया इसको खाली इतना रखे कि देखने का निर्णय करके रखे कि हाँ मुझे देखना है, ऐसा। हाँ उतना तो कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब देखने का निर्णय होगा तब तो देखने के अर्थ में जाएंगे।
क्योंकि जब भैया वो एक्सरसाइज वन कर रहे थे तो ऐसा निर्णय किया था कि कल्पनाशीलता को देखना है, तो उसको प्रैक्टिस करते करते कल्पनाशीलता दिखने लगी, ऐसा जगह थोड़ा आया। पर जी इसको देखना ये थोड़ा और ज्यादा था, थोड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा डीप है ये तो। है ना, तो कल्पनाशीलता शरीर में ही कहीं चल रहा है या शरीर से बाहर कहीं चल रहा है, ये कह सकते हैं होगा। हाँ, ये मुद्दा भी खड़ा होता है फिर। बिल्कुल ठीक है भैया, कुछ देखने की कोशिश करते हैं। जी ये इजी लग रहा ठीक था मेरे को, ये अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। है ना, देखिए इसी पे तो हम विश्लेषण करते हुए है ना, और अपने आप में कल्पनाशीलता को फैलाते हुए वास्तविकता में जाते हैं कि अभी बहुत सारी चीजों को हम मान के चल रहे हैं, स्वीकार के चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा है, बट देखा नहीं हमने। ठीक है भैया, बढ़िया दीदी, मैं हूं यही मेरे पास फीलिंग है, मैं नहीं हूं का फीलिंग मेरे पास है ही नहीं, मतलब ठीक तो बात है। देखो क्या। हमारे अंदर एक स्वीकृति बनी हुई है कि मैं हूं, ठीक हाँ है ना, बट क्या हूं, ये शरीर ही हूं या शरीर से भिन्न हूं? नहीं, वो मुझे दिखता है कि जैसे मेरे करीबी रिश्तेदार है या मेरे लोग हैं जो मुझे शरीर के रूप में दिखते थे, तो वो नहीं है। मैंने उनको देखा है कि उनमें से चैतन्य नहीं है, अभी वो उठ नहीं सकते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, वो अभी राग बन चुके हैं वो वो। शरीर की एक स्थिति हो सकती है ना, कि शरीर थे चले गए, आप भी हो सकता है शरीर है, शरीर के रूप में चल रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। हाँ मतलब जो हम जिसको शरीर कह रहे हैं उनका जो दिखने वाली चीज है, स्पर्श, जो इंद्रियों के साथ हम जो देख सकते हैं उसको हम शरीर कह रहे हैं उनका, ऐसा मतलब अगर, तो वो अभी नहीं है, वो देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनके उनके अनुभव है, तो वो उनका सेल्फ हो गया, ऐसा मैं मान रहा हूं, मगर ये सब विचार में चल रहा है अभी, ठीक है ना, देखना कहाँ हुआ है। शरीर चला गया, इसका आस्वादन हमें संवेदनाओं के माध्यम से हुआ कि शरीर चला गया, सूचना देखी हमने, सूचना मिली हमें, है ना, शरीर को जलते हुए देखा, राख बनते हुए देखा, तो शरीर जी राख में बदल गया। ठीक, कोई जी मैं था कि नहीं और वो मैं है कि नहीं, ये हमें कैसे पता। वो शरीर में मैं खा के नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो अपने, अगर उनके बारे में तय ना हो तो अपने बारे में तय करेंगे। हाँ तो अपने बारे में तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो वो देखने की प्रक्रिया हो रही है निरंतर, क्या इसे मैं कह सकता हूं? और क्योंकि वो मतलब हमेशा, मतलब ये भी होता है कि अगर मेरा लक्ष्य उड़ गया, कहीं पे चला गया, यहाँ वहां हो गया, वो भी मैं देख सकता हूं कि ये हो गया, तो ये देखने की ये आप प्रक्रिया में हो रहा है निरंतर या चल शरीर रही में है हो रहा मैं है, ये कैसे तय होगा? क्या? आप में हो रहा है या शरीर में हो रहा है, ये कैसे तय होगा? हाँ वो पता नहीं, मतलब जो वो अभी तक देख नहीं पा रहा हूं, मगर ये मतलब ये देखने की प्रक्रिया मैं हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये निरंतर चल रही है, ये भी दिख रहा है। ठीक है ना भैया, इसको ओपन रखें, इसको ओपन ऑब्जर्व रखता करते हूँ, हैं। जी जी देखता रहूँ जी, धन्यवाद भाई। बढ़िया भैया, ठीक है भैया, बात तो ये ठीक ही है कि अभी जो बात हो रही है कि जैसे शरीर जब जल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो जो बचा वो मैं ही है, अगर कैसे उसके पता? बाद रुक देख पा रहा। हाँ, वही तो मैं रुक, बताना चाह रहा हूँ भैया। हाँ कुछ बचा भी कि नहीं, जलने जी के भैया, बाद कुछ बचा रह गया हाँ जो मैं है, ये जी, कैसे तय हो गया? वही वही तय करने जा रहा हूँ भैया। देखिए, यह तो अच्छा आगे जाके तय करना अभी थोड़ा मुश्किल है, पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा, कि जो पिछली शरीर यात्रा से इस शरीर यात्रा में आया, जो वहां जला भुना और उसके बाद जो मैं बच के यहाँ तक आया, वापस जाना पड़ेगा, वहीं से तय कर सकता रुकिए हूँ। रुकिए, वहां आगे तो अभी से कैसे तय तय
ये भी कैसे तय हो गया पिछली शरीर यात्रा थी, ये कैसे तय हो गया? वही 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 वो यहाँ से तय हो गया भैया कि जहाँ पे आज हूँ यहाँ से धीरे धीरे पीछे जाना पड़ेगा, साल दो साल चार साल, फिर जन्म के समय जो गर्भ में आने का, फिर गर्भ से जो पीछे, फिर वो धीरे धीरे जितना पीछे जाऊंगा उधर से ही मुझे लग रहा है कि इस बात को मैं वो कर सकता हूँ भैया, क्योंकि आगे का तो प्रोविजन मान लीजिए जलने के बाद हमको पता भी चलेगा, लेकिन वो आगे से बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, तो उसको पीछे चल लेते हैं, क्योंकि ये घटना जो अभी आगे घटेगी ये पीछे घट चुकी ही है, तो ठीक है कि अभी आप ये मान ले यहाँ रुकते हैं, ये और कठिन मुद्दा हो गया। अभी इस क्षण तो देख नहीं पा रहे हैं कि शरीर है कि शरीर से अलग है। नहीं भैया, और रुकिए, और इसको हम अब घटनाक्रम में जाकर आज से कई वर्ष पहले को देखने जाएंगे। अब वो देखना ही होगा कि कल्पना होगी, ये कैसे तय होगा। इसको क्लैरिफाई कर दूं इससे पहले कि बहुत विस्तार में जाए हम, तो आप पीछे जाके देखने का प्रयास करेंगे वो भी मात्र कल्पना होगी, देखना नहीं होगा। आगे जाके देखने का प्रयास करेंगे वो भी मात्र कल्पना होगी, देखना नहीं होगा, तो कल्पना ही करेंगे, है ना, घटनाओं की कल्पना करेंगे। नहीं, पीछे जाकर के हम कल्पनाशीलता को ही देखेंगे, जो सेल्फ है, सेल्फ में जो चीजें हो रही उसी को देखेंगे ना भैया। तो सेल्फ इसी क्षण देख लीजिए, उतना पीछे जाने की क्या जरूरत है, कल्पनाशीलता अभी भी चल रही है। पीछे नहीं, कल्पनाशीलता वो शरीर में चल रही है, मेरे में चल रही है, इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा ना यहाँ पे अभी देखने से, इसके लिए पीछे जाने की जरूरत पड़ रही भैया। हाँ, अब ये और डिफिकल्ट काम हो गया है ना, क्योंकि इस आधार पर जब आप बात करने जाएंगे तो हो सकता है कि लगे कि ये तो कोरी कल्पना ही है। देखिए, अब इसके दोनों के बीच का एक और प्राविधान है, आगे जाने और पीछे जाने के बीच वर्तमान है, तो क्या हम इस क्षण देख सकते हैं? तो तीन ऑप्शन हो गए, है ना, कि शरीर लेकिन इस वाले में एक कठिनाई ये हो रही है कि यह मेरे में हो रहा है या शरीर में, इसके लिए मैं आपको प्रमाण कैसे दूंगा, मेरे पास प्रमाण नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे यहाँ पीछे जाना पड़ा। 35 रुके रुके, अब 35 साल पीछे जाके देखेंगे उसका प्रमाण कैसे देंगे हमको। तो एक प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है कि भाई मैं इस क्षण तो नहीं देख पा रहा हूँ, तो शरीर से जुड़ने से पहले मैं जो था उस स्थिति को देखूं, ठीक। अब वो कैसे तय हुआ कि वो एक कल्पना ही है या वास्तविकता है? एक स्थिति है जो भैया ने पहले बताया कि दूसरे व्यक्ति के शरीर को जाते हुए हमने देखा और उससे हमने तय करने का प्रयास किया, वो भी एक सूचना है। हाँ, वहां पे भी शरीर से जुड़ने से पहले आप बचे हुए थे कि नहीं, ये भी कैसे तय हो गए, ये मुद्दा है। एक संभावना ये तो है कि अगर आप शरीर से भिन्न है ना, अलग है, ठीक, तो अभी भी उसको अलग करके देख लीजिए। इसके लिए 35 साल जाने की आवश्यकता ही क्या है फिर? दूसरे को बताना मुख्य मुद्दा नहीं है। हाँ, अभी तो आधार तय कर रहे हैं कि आप हैं, इसको देखने का आधार क्या है आपके पास, है ना, कम से कम वो तो आपको तो दिख जाए, दूसरे को बताने का काम बाद में करेंगे। तो इस क्षण देखने का आधार क्या होगा उसको पूरा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना जी भैया। हाँ, इस क्षण कैसे देखेंगे? तो इस क्षण फिर यही देखने का होगा कि भैया चूंकि शरीर में ही है, मतलब शरीर और सेल्फ जो है को एग्जिस्टेंस में है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा उससे दूरी बना करके हम जब शरीर को अलग कर पाए, वैसे थोड़ा अगर उसको इस घटना को कर पाए तो वहां से हम कह सकते हैं, बाकी तो हमको ऐसे इतना ही अभी भाषा में मैं दे पा रहा हूँ भैया। हाँ, ठीक है, ठीक भैया जी, इसको करें है ना, करके देखिए आप। और क्या, देखिए आधार तो तय करना होगा ना, तो कई सारे इसमें विचार आए, प्रस्ताव है, तो आधार तय करना होगा, मैं हूँ इसको तय करने का आधार क्या होगा, तो मैं शरीर नहीं हूँ इसको तय करने का आधार क्या होगा जी। कई सारे हैंड्स रेज हैं, एक एक कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देख पा रहा है कि शरीर में तो संवेदना एक ही हो रही है, लेकिन अगर ध्यान दे रहे हैं तो उसका अलग रेस्पॉन्स है, अगर ध्यान नहीं है तो उसका अलग रेस्पॉन्स है, तो इससे लगता है कि ध्यान देने वाला शरीर का ही कोई भाग है या आप है शरीर से भिन्न, ये कैसे तय होगा भैया? लेकिन अगर शरीर का कोई भाग होता हो, शरीर की क्रिया है तो निश्चित है, उसका तो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, तो वो तो वैसे ही एक तरह से निर्णय लेगा। अब क्योंकि मेरे अंदर में जानने और मानने की, इसको भी ओपन रखें कि मानने की क्रिया क्या शरीर किसी भाग में नहीं हो सकती, तो मतलब शरीर के, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मानने की क्रिया शरीर में हो रही तो वो भी बदलती रह सकती है, या दूसरी तरह से ये भी देखें कि सपोज किसी ने मुझसे कुछ कहा और उस समय मैंने उसका कुछ रेस्पॉन्स दिया, और किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा या किसी संबंधी ने कहा वही बात जो उसको मेरे संबंधी मान रखा है, तब कोई अलग रिएक्शन होती है, तो इससे भी कुछ ये सब शरीर में भी हो सकता है। अभी तो प्रेजेंट जो मेडिकल साइंस है यही कह रहा है
शरीर में सिक्रीशन होते हैं, ऐसा सिक्रीशन होता है तो ऐसा रिस्पॉन्स आता है, वैसा सिक्रीशन होता है तो वैसा रिस्पॉन्स आता है। और दूसरा भैया, जैसे जब नींद सो रहे होते हैं हम, तो शरीर तो हमारा शरीर में तो कोई बहुत ज्यादा क्रियाएं नहीं हो रही है, जो मिनिमम क्रियाएं वो होती है, लेकिन फिर भी बाकी सब घटनाएं दिख रही होती हैं, सब कुछ चल ही रहा होता है, तो वो कहाँ फिर है? वो भी हो सकता है शरीर में क्रियाएं बंद थोड़ी हो गई हैं, हो रही हैं, एक प्रकार से हो रही हैं अभी सोते समय, दूसरे प्रकार से हो रही हैं, तो स्वप्न भी शरीर में चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो भैया जैसे शरीर का तो बदल रहा है, शरीर की जो तो दिख रहा है, शरीर तो शरीर का तो हम रूप भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं जो चीजें चलती थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज भी उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जबकि शरीर शरीर में का भी तो वैसी घटनाएं हो रही है। शरीर में पहले खाना पचता था, भूख लगती थी, रक्त दौड़ता था, हृदय धड़कता था, अभी भी हो रहा है। शरीर में खाने का पचना अब तो उतना स्पीड ही नहीं रहा, या मतलब बाकी चीजें भी बदल तो रही हैं शरीर में तो। एक कल्पनाशीलता भी बदल रही है, पहले आपको चॉकलेट खाने की इच्छा होती थी, अब आपको कुछ और खाने की इच्छा होती है। भैया लेकिन जैसे मान लो खाना खाया है, जब खाना नहीं खाते तो शरीर में घटना है, थोड़ा क्रियाएं स्लो हो जाती है, लेकिन जो मैं की क्रियाएं है, जो कल्पनाशीलता है, विचार है, वो तो चलते रहते हैं, खाना खाऊं या ना खाऊं, पानी पीऊं ना या ना पीऊं, तो देखिए वो भी ये तो तेज गति से कभी चलता है, कभी धीमी गति से चलता है। नहीं। लेकिन भैया जैसे कई शरीर बार की क्रिया है, कल्पना मान लो बहुत तेज मतलब गति से चलती है। दो दिन तक मैंने खाना नहीं खाया तो शरीर में उतनी एक्टिवनेस नहीं रहती है, लेकिन मैं की क्रियाएं तो चल ही रही हैं, फिर भी उसी तेजी से चल सकती हैं देखिए और मैं चलती का भी भी है। एक्टिविटी लेवल कम ज्यादा होता रहता है, उत्साह में होते हैं तो एक तरह का एक्टिविटी होता है, डिप्रेस्ड होते हैं अलग तरह का एक्टिविटी होता है, तो क्रियाओं में तो वहां भी परिवर्तन हो रहा है। हाँ मैं नहीं, में कभी लेकिन तो क्रिया ये बहुत तो तेज ठीक गति से है, चल रही है। लेकिन इस उत्साह और मैं होना और न होना खाने से, जो शरीर में जो ऊर्जा ले रहे हैं, भौतिक रासायनिक वस्तु ले रहे हैं, उससे तो इसका कोई संबंध नहीं बनता। उससे भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो ये नहीं, शरीर में बन ही हो सकता रहा है, है लेकिन सब। बन तो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन जबकि शरीर की क्रियाओं का तो, अगर हम भौतिक रासायनिक कोई बाहर से लेते हैं इनटेक, तो उससे होता ही है, एक्शन तेज होते हैं उसके। जी इसको और ऑब्जर्व करिए, ये जितना भी आप कुछ कह रहे हैं उसको शरीर के स्तर पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसा से ये कुछ अनुमान ही बन रहा है, क्योंकि देखने तो भी आने का तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम अनुमान क्या कुछ कह बन रहा है कि रहे हाँ, हैं, कि इस शरीर को कोई ना कोई तो ड्राइव कर रहा है, मतलब शरीर अपने आप मोशन में नहीं है। कैसे पता नहीं, क्योंकि ऐसा होता है भैया कि एक ही घटना के लिए कभी कुछ रिएक्शन, कभी कुछ रेस्पॉन्स, तो वही अलग सेम अलग हाथ घटना में कुछ होती है। मतलब हो रहा है वैसे हो जाता होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि शरीर ही ये जो विचार कर रहा है, वो शरीर ही कर रहा है, शरीर का कोई पार्ट कर रहा है ऐसा। भाई अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये विचार शरीर में नहीं चल रहा है, इसका क्या देखना है अपने पास, क्या प्रमाण है अपने पास? शरीर में भैया जैसे मान लो कुछ समय पहले कुछ अलग तरह के विचार चलते थे, अब कुछ अलग तरह के विचार चल रहे हैं, तो मैंने जो इनटेक लिया वो कुछ सूचनाओं का लिया, जबकि खाना तो मैं वैसा ही खा रहा हूँ, तो विचार बदल क्यों रहे हैं, वो उन्हीं घटनाओं को लेकर विचार बदल रहे चीजें हैं। अभी आसपास के जो दृश्य देख रहे हैं आप, उससे आपके विचार बदलते हैं। सामने से आपका कोई विरोधी आता है, एक तरह का विचार चलता है, संबंधी आता है, अलग तरह का विचार चलता है, दोनों में दृश्य अलग अलग है, संवेदना अलग अलग प्रकार की आ रही है, विचार बदल जा रहे हैं, उसका सब कुछ शरीर में ही हो रहा हो। इसमें भैया जैसे वही लोग हैं, लेकिन उनके प्रति मेरे भाव अब बदले हैं तुलनात्मक, जबकि खाना पीना जो शरीर की जो इंटेक, शरीर की जो इंटेक चाहिए या जिनसे शरीर बना है भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, वो तो वही है, लेकिन उन लोगों के प्रति मेरे जो भाव है वो बदले हुए हैं, बदल रहे हैं, ऐसा मैं तो देख फिर पाता हूँ। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो भोजन आपने अलग प्रकार का लिया, परंतु दृश्य का आस्वादन तो अलग अलग प्रकार से हुआ ना। भोजन आपने एक ही प्रकार का लिया मान लीजिए, बट दृश्य का आस्वादन तो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो सामने संबंधी आ रहा है तो एक तरह का दृश्य है, विरोधी आ रहा है एक तरह का दृश्य है। नहीं भैया, वही व्यक्ति जैसे आज से 5 साल पहले वही व्यक्ति था, तब कुछ अलग थे, और वही व्यक्ति है, दृश्य वही है, बदला नहीं है, अब कुछ अलग। तो उसका व्यवहार भी तो बीच में बदल सकता है, और यदि यही आधार है, अगर वही विचार फिर से आ रहा है तो फिर हाँ, कहेंगे तो मैं तब तो शरीर ये हूं भी तब शरीर तो। में हो सकता है, ये कहेंगे आप। ये तो इसको बहुत जी ठीक है भैया, और देखते आप। देखिए थोड़ा है, इसको हम लोग और ठीक है, ऑब्जर्व ठीक है करते हैं। भैया। मैं इस चीज को ऐसे कभी कभी महसूस करती हूँ, जैसे कभी मैं जैसे खाना बनाती हूँ तो कभी मेरा हाथ कट जाता है, और जब मेरा कभी कभी मैं उसको फील करती हूँ कि वो कट गया, तो मेरे को बहुत महसूस होता है कि दर्द वो महसूस हो जाता है, और
कभी कभी कटता है और मैं मेरे को पता भी नहीं चलता कि वो कट गया है, लेकिन बाद में जब मैं आंखों द्वारा उसको देखती हूँ शरीर द्वारा कि ये मेरा हाथ कट गया है, तो कई बार जो दर्द जो देखने पे महसूस होता है और वो कई बार वो दर्द महसूस नहीं होता, तो मतलब जो संवेदनाएं हैं उनको मतलब हम ध्यान देते हैं तो वो हमें दर्द भी महसूस होता है, ये चीज है। तो ये दर्द महसूस करने वाला अभी मेरे को लगता है कि कोई और है, मेरा शरीर नहीं है केवल, नहीं ये शरीर के किसी हिस्से में भी हो सकता है। हाँ ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो, अगर मैं महसूस जैसे कभी पैरों में भी चोट लग जाती है और मैं ध्यान ही नहीं देती तो मेरे को भी नहीं है कि शरीर में चोट लगी है, लेकिन जब उस पर ध्यान जाता है तब पता चलता है कि कहीं मेरे से चोट लगी थी और मैंने जब लगी तो मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ इस चीज का, मुझे पता क्यों नहीं चला, तो ध्यान नहीं दिया ये पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि शरीर में तो वही चीज है, अगर ध्यान दो तो वो दर्द महसूस होता है, तो ये ध्यान देता है कोई और है जो देता है ध्यान, तो ये मैं हूँ, मतलब मेरे शरीर के अलावा भी कोई है जो ध्यान देता है। शरीर के अलावा है ये क्यों तय होगा, ये भी हो सकता है शरीर का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो ध्यान देता है। नहीं पर्टिकुलर हिस्सा तो हमेशा ही रहता है शरीर के साथ, तो हमें शरीर तो हमारा हमेशा ही है, निरंतर है, वो बना हुआ है। हाँ परंतु ये हो रहा है ना कि उसमें अलग अलग प्रकार से क्रियाएं हो रही है, जहां से तीव्र संवेदना आती है हर पीड़ा, अगर चोट लगी तो पीड़ा शरीर की तो एक ही चीज है, चोट लगी तो दर्द होना ही चाहिए और महसूस भी होना चाहिए, तो शरीर तो वही ध्यान देने वाला हिस्सा है, महसूस नहीं कर, वो जो शरीर का ध्यान देने वाला हिस्सा है वो कहीं और ध्यान दे रहा है, ये भी तो हो सकता है। पर वो ध्यान देने वाला हिस्सा हर वक्त हमारे साथ ही है, पर वो ध्यान नहीं दे रहा है और ध्यान दे रहा है, ये तो मैं ही है ना जो ध्यान दे रहा है, कभी हम ध्यान देते हैं जी, इसको इसको ऑब्जर्व करिए है ना, इसको अपने आप में थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए अल्टीमेटली इस पूरा जो हमने आज चर्चा की, विश्लेषण किया, तर्क किया, अभ्यास किया, उसका पर्पज यही है कि मैं हूँ और शरीर से भिन्न हूँ, इसको देखने की जिज्ञासा तो कम से कम बने, क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कुछ ठीक उसको मान ले रहे हैं, बट देखना शेष है। बढ़िया, तो आज हम इसको ऑब्जर्व करें, मैं हूँ ये मैं किस आधार पे कह पा रहा हूँ, एम आई नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी बॉडी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप किस आधार पे कह रहे हैं कि डिफरेंट है या सेम है, उसको तय करें। अभी हमारे कुछ भी कहने का आधार क्या है, डिफरेंट हूँ कि सेम हूँ। नमस्ते सभी को, तो हम लोग चर्चा आज यहाँ रोक लेते हैं, आज के लिए असाइनमेंट यही है कि मैं हूँ क्या मैं इसको देख पा रहा हूँ, मानना नहीं है, देख पा रहा हूँ कि नहीं है ना, इसको तय करना है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।